हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक है। तो अब तक मेरा विलेज ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, आई मीन ओडिशा का ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मैं डिसकंटिन्यू कर दे रही हूँ कुछ काम के लिए, तो मैं ठीक से ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, रोज़ रोज़ एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मेरा ये ब्लॉग बाकी है, और भी कुछ ब्लॉग है आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये था मॉर्निंग का टाइम उस दिन का। तो हमारा गांव में आता है ना ऐसे कि दही बड़ा और पानी पूरी, ये सारा आता है। तो ये उस दिन मॉर्निंग में ये मिल गया था हमारे सामने। कुछ कभी कभी ख़त्म हो जाता है, तो ये दही बड़ा रख लिया दीदी। मैं एकदम खुद पड़े, मतलब रोज़ हम लोग उसको वेट करके बैठते हैं, नहीं मिलता था, उस दिन मिल गया था। तो चलिए ये दही बड़ा खा के, हमारा बहुत कुछ प्रोग्राम था उस दिन। तो ये दीदी को देखिए दही बड़ा। और ब्लेसी के लिए जो खाली है ना, वो करी में नहीं है, खाली जो खाली है, खाली प्लेट ब्लेसी के लिए था, क्योंकि वो तीखा नहीं खाती इतनी। तो इसके बाद ये है डुम्बलू का। और इसके बाद डुम्बलू को इतना दही बड़ा पसंद नहीं है, फिर भी मैं उसको लेके दे दी। और इसके बाद हमारा प्रोग्राम था उस दिन का, मैं मेहंदी भी लगाई थी। ये ओनियन काटती है दीदी बिरयानी के लिए। तो ये जो ओनियन है ना, मैं यहाँ पे है देखिए, चिकन मैरिनेशन करके, ये हो गया आधा घंटा एक घंटा हो गया था, तो इसको भी रखे थे। और ये जो ओनियन है ना, ये मेरे हाथ से नहीं होता है, देखिए कितना सारा है। और दीदी नहीं खा रही थी उस टाइम में, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा था। तो ये जो ओनियन है मुझसे नहीं होता ये फ्राई, तो दीदी से मैं सीख रही थी उस दिन। ये एकदम बारीक काटना है, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसे फ्राई करना है, क्योंकि ये ओनियन, फ्राइड ओनियन बिरयानी से ना पड़ने से अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे ही रॉ डाल देती हूँ हमेशा, मेरे हाथ से नहीं होता। कभी ज़्यादा जल जाता है, नहीं तो कभी ऐसे ही एकदम रह जाता है, कच्चा रह जाता है। तो उस दिन ये चल रहा था हमारा बिरयानी, हम लोग खाए थे, दीदी नहीं, दीदी हाँ दी अकेली दीदी नहीं खा रही थी। और ये थोड़ा एक क्लिप्स है, बच्चे लोगों ने मतलब घर के पीछे में ही सारा देख रहे थे, तो मैं इसको भी थोड़ा ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ चिकन को बिठा दी, और दूसरे तरफ क्या है मैं दिखाती हूँ आपको, दूसरे तरफ क्या है। चिकन होने के बाद शायद इस तरफ फ्राइड हो रहा है ओनियन, तो ये होने के बाद, ओनियन होने के बाद राइस होगा। और यहाँ पे है साग, जो कि बहुत टेस्टी वाला साग उड़ीसा में मिलता है, आप देख के पता चलता होगा कितना टेस्टी है, एकदम रेड रेड। तो ये बन रहा था दीदी के लिए, दाल चावल और ये साग। तो इसे मैं धो के रखूँगी अभी, क्योंकि दीदी बना रही है बिरयानी, मैं थोड़ा इसे वीडियो के लिए हाथ लगा दे रही हूँ, और कुछ नहीं। और फ्राइड ओनियन मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये कैसे करना है, तो मैं उसको कर रही थी। तो ये देखिए इस टाइप का एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट टाइम मैं जब करूँगी बेंगलोर जाके, तो इसको मैं सीख ली, तो इसे अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये मेरे हाथ से नहीं बनता है। फ्रेंड्स हाय, अभी बिरयानी बन रहा है, स्पेशल बिरयानी। चलो ये सारा हो गया, और अभी क्या, मैं थोड़ा उपमा खा लूंगी, उपमा भी हुआ था सुबह, खा लो थोड़ा। हाँ।
राजमा खा लेती हूँ। आप खाओगे? मैं नहीं खाऊंगी। वो खाए वो मुँह खाई दे। ठीक है सारा खा लिया, थोड़ा खा लेती हूँ। इसमें खा लूँ? चलेगा। ये थोड़ा सा निकाल लेते हैं। कहाँ तक गया बिरयानी? तो पानी निकल गया। नहीं ये तो होगा ना थोड़ा, और थोड़ा सिम में बैठेगा। ये दोनों फेस दिखाओ। तो अभी टाइम था मेरा, एक घंटा हो गया था, मेहंदी लगाई थी, तो अभी मैं चलती हूँ इसको शैम्पो करने के लिए। तो मेरा हेयर वॉश भी हो गया, तो उस टाइम था एक 1:30 बजा था या एक ऐसे कुछ हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो अभी प्रिपरेशन चल रहा था दम लगाने के लिए, तो ये थोड़ा सा प्री हीट हो रहा है, और यहाँ पे सारा चीज़ है, चिकन और जितना भी है घी और जो फैट ये है, और क्या उसे बोलती है, कोरिएंडर के लिए मम्मी इधर उधर हो रही थी क्योंकि नहीं मिल रहा था हमें। तो आपको पता होगा इतना सारा चीज़ तो ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, तो मम्मी ढूंढ रही थी कोरिएंडर लीव्स, तो मिल गया फाइनली। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बिरयानी कैसे हुआ था। बहुत ही टेस्टी हुआ था उस दिन, सच बोलूँ तो दीदी बनाई थी, बहुत टेस्ट लग रहा था। तो ये सारा चीज़ हो गया, अभी इसको बिठा देंगे 15-20 मिनट के लिए। और इवनिंग का टाइम था, ब्लेसी यहाँ पे डॉक्टर बन गई और पापा के फीवर चेक कर रही थी। देखो 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 जल्दी। हाँ। तो फीवर देखो, फीवर में क्या? तो ये था हमारे गांव का जो लक्ष्मी पूजा विसर्जन था। तो मैं इसे कुछ भी चीज़ नहीं हूँ जो कि स्किप कर रही हूँ, सारा चीज़ थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा ये नहीं लगेगा। तो ये गांव का पूरा नज़ारा है, ऐसे ही गांव में होता है, गांव में क्या बाहर भी ऐसे होता है विसर्जन। तो ऐसे देखिए डांस वेंस होता है, तो हम लोग छत में ऐसे देख रहे थे, छत पहले नीचे देख रहे थे, फिर अच्छा नहीं दिखा तो छत में आके देख रहे थे। तो ब्लेसी को भी संभालना मुश्किल था क्योंकि वो चली जा रही थी। तो ब्लेसी का भी डांस मैं आपको दिखाती हूँ, ये है माँ लक्ष्मी। तो गाइस आप लोग देख लिया ब्लेसी का डांस कैसे हो रही, और ऐसे हो रही इतनी, मतलब इतना परेशान करके रखी थी उस टाइम कि मैं नीचे जाके डांस करूँ ऐसे देखूँ इसको। हम लोग ऐसे पकड़ के रखे थे जाने तक विसर्जन। तो ये इवनिंग का टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। और विसर्जन खत्म होने के बाद पानी पूरी खाना स्टार्ट हो गया था हमारा। ये इवनिंग बहुत अच्छा था, और बहुत लाइट कम है तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा।
और पानी पूरी मैं जितना दिन घर में रही हूँ बहुत दिन खाई हूँ पानी पूरी, क्योंकि ऐसे गांव में आता है तो इवनिंग टाइम बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए घर के फ्रंट में खड़े होके ऐसे। तो ये था उस दिन का मेरा व्लॉग, यहाँ तक था व्लॉग इवनिंग तक, और ज़्यादा व्लॉग मैं रात का नहीं बनाई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। और पापा हम लोग जैसे है, पापा भी हमसे ज़्यादा है, बहुत पानी पूरी पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, पापा को भी ऐसे ही बहुत पसंद है। और हमारा सारा खाना खत्म हो गया था लेकिन पापा के कंटिन्यू था। तो ये यहाँ तक था मेरा ब्लॉग। तो ओके गाइस, ब्लॉग को मैं अभी स्टॉप करती हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए प्लीज, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।